हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट जो नूडल्स होता है ना, वो नूडल्स हम गाजर से बनाएंगे। खाने में बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी बनने वाला है। तो गाजर का नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश ताजा गाजर, जो मैंने गाजर ऑर्गेनिक लिया है। तो इस पैकेट में से मैंने 5 बड़ी साइज का गाजर ले लिया है। तो गाजर के ऊपर से हम हल्की सी स्किन निकालेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी बारीक टाइप की मिट्टी होती है ना, वो ना रहे, तो धोने से ये मिट्टी नहीं जाती है। तो हल्की सी स्किन इस तरह से निकाल देना है, और स्किन निकालने के बाद हम गाजर को धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बड़ी साइज का गाजर को दोनों साइड कट करके हल्की सी स्किन निकाल के अच्छे से मैंने धो लिया है। अभी हम गाजर को पील करेंगे। जिस तरह से नूडल्स आता है ना, इस तरह से हम गाजर से नूडल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पीलर। तो आलू के ऊपर से जो हम स्किन निकालते हैं ना, वो पीलर आता है ना, इस तरह का ये स्लाइस वाला पीलर आता है। उससे आप कोई भी वेजिटेबल्स कट कर सकते हो, जुकीनी हो, गाजर हो, या खीरा हो, या लौकी, जो भी आपको ग्रेट करना है या पतली पतली चीरियों में कट करना है ना, वो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बन रहा है ना, एकदम पतली एंड लंबी चीरियों में नूडल्स। जिस तरह से नूडल्स आता है ना, इस तरह से गाजर का मैं बना रही हूँ। तो मैंने एक गाजर का नूडल्स पहली बार ही बनाया है, और टेस्ट में इतना बढ़िया बना था कि सबको बहुत पसंद आया। और लगता नहीं है कि ये गाजर से बना हुआ नूडल्स है। उसमें चाइनीज सॉस या सारी चीजें डाल के आप बनाएंगे ना, वेजिटेबल्स डाल के, बहुत अच्छा बनेगा। बट मैं सिंपल तरीके से आज नूडल्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 बड़ी साइज का गाजर लिया था, उसका मैंने नूडल्स बना लिया है। और गाजर का नूडल्स बनाने से पहले गाजर को धो लीजिए, उसके बाद ये नूडल्स को धोना नहीं है। तो खास कमाल ये है पीलर का, उससे ये गाजर की मस्त पतली वाली चिड़ियों बनती है। तो चलिए, नूडल्स में डालने के लिए हम 10 से 15 जितनी लहसुन की कली को क्रश करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लहसुन को क्रश कर लिया है। अभी हम बनाएंगे चाइनीज नूडल्स। तो नूडल्स बनाने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद आधी स्पून जितना डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। वो सारा मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर बच्चे के लिए बना रहे तो मसाला आप कम भी डाल सकते हो। उसके बाद डालेंगे क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून जितना लहसुन। उसके बाद मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो टेस्ट अनुसार। उसके बाद डालूंगी ग्रीन वाला चिली सॉस, और कलर के लिए मैं डाल रही हूँ आधी स्पून जितना रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, कलर ही अच्छा आएगा, ज्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। सॉस को अच्छे से तेल के साथ हम थोड़ी देर सोते करेंगे। फिर से मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। तो ये चाइनीज सॉस मैंने जो डाला है ना, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और 15 से 20 सेकंड के लिए मैंने सॉस को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम डालेंगे उसमें गाजर का नूडल्स। नूडल्स डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। नमक डाल के अच्छे से सॉस नूडल्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरह से हम चाइनीज नूडल्स बनाते हैं ना, तो उसमें हम कैप्सिकम, कैबेज, हरा वाला प्याज, वो सारी चीजें हम डालते हैं। तो ये सारा वेजिटेबल्स आप ये गाजर के नूडल्स में भी डाल सकते हो। सॉस डाल के मैंने सॉस एंड गाजर का नूडल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये गाजर का नूडल्स को अच्छे से कुक नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा टाइप का रखना है, तभी आपको उसमें डालना है कॉर्न स्टार्च का बैटर। उससे क्या होता है, मसाला है ना, वो अच्छे से गाजर के नूडल्स के ऊपर कोटिंग होता है। क्योंकि कॉर्न स्टार्च का बैटर डाल के हम गाजर के नूडल्स में डालेंगे ना, तो मसाला भी अच्छे से कवर हो गए। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है कॉर्न स्टार्च। उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना पानी डाल के अच्छे से बैटर बना के ये नूडल्स में हम डाल देंगे। जो कॉर्न स्टार्च का बैटर आप ये नूडल्स में नहीं डालेंगे ना, तो सलाद की तरह ये नूडल्स बनेगा, उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो खास कमाल ये है, कॉर्न स्टार्च का बैटर डाल के ये नूडल्स टेस्टी बनता है।
तो यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च का बेटर डाल के अच्छे से नूडल्स को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा कच्चा टाइप का मैंने ये नूडल्स रखा है, क्योंकि अच्छे से पकेंगे ना तो वो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो अभी हम डालेंगे ऊपर से फ्रेश धनिया। धनिया डाल के गर्मा गर्म हम एक प्लेट में नूडल्स को सर्व करेंगे। तो जबरदस्त हेल्दी टेस्टी, और एक बार बनाएंगे तो आपको दूसरी बार बनाने का मन करेगा, उतना टेस्टी ये गाजर से बना हुआ नूडल्स बना है। खास करके बच्चों के लिए आप जरूर बना सकते हो। चिली सॉस, सोया सॉस, वो स्पाइसी सॉस आप अपना हिसाब से आप डाल सकते हो। खास करके कॉर्नस्टार्च का बेटर जरूर डालिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।